रायपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कोर्ट में पेश किया गया गैंगस्टर अमन साहू। तो कोर्ट में पेश करने के पहले उसका मेडिकल टेस्ट किया गया है। तेलीबांधा और गंज थाने में यह पूरा मामला दर्ज है। तो गोलीकांड मामले में आरोपी है गैंगस्टर अमन साहू। कई कारोबारियों से वसूली का भी आरोप है। और आपको बता दें कि रायपुर में गोलीकांड मामले में अमन साहू की गिरफ्तारी हुई थी और आज उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो कल देर रात हाई सिक्योरिटी के बीच अमन साहू को झारखंड से रायपुर लाया गया और उसके बाद से आज कोर्ट में उसकी पेशी है। और आपको बता दें कि फिलहाल जो है कोर्ट में अमन साहू को पेश कर दिया गया है। तो कोर्ट में पेश करने के पहले अमन साहू का मेडिकल टेस्ट किया गया है। तेलीबांधा और गंज थाने में पूरा मामला दर्ज कर लिया गया है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, अमन साहू की तस्वीरें हैं। आज अमन साहू को कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट में पेश होने के बाद तमाम बातें निकलकर सामने आएंगी कि आखिर क्या वजह थी गोली चलाने की। और इसके साथ ही आपको बता दें कि गोलीकांड मामले के साथ साथ कई कारोबारियों से वसूली का भी आरोपी बताया गया है अमन साहू। तो अमन साहू पर कई आरोप है और इसके लिए ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी नितेश गर्ग मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कोर्ट के बाहर वो सीधा मौजूद है, उनका रुख करेंगे। नितेश, क्या कुछ इसके ऊपर अपडेट मिल रहा है? अमन साहू की पेशी हो गई है, फिलहाल इसके ऊपर क्या अपडेट है नितेश? जी बिल्कुल, मेरे दूसरे साथी अनमोल वहां पर लगे कोर्ट रूम में है। मैं कोर्ट रूम के नीचे हूँ। उधर जो आप माला देख रही हैं, उधर वो जो माला आप देख रही हैं, वहीं पर जो है लाइट जल रही होगी राधा, और वहीं पर जो है कोर्ट की कार्रवाई जारी है। कटघरे में खड़ा किया गया है अमन साहू को, उसके जो कृत्य हैं उनके लिए, और रिमांड मांगी जा रही है। 14 दिन की रिमांड की प्रारंभिक जानकारी सामने आ रही है राधा। 14 दिन की रिमांड पुलिस ने जो है मांगी है और लगातार बहस जारी है, जिरह जारी है अलग अलग जगहों से। हमने दिखाया था गंज थाना की डायरी किस तरीके से आई थी, और लखन पटेल जो वहाँ के TI थे उन्होंने अपने यहाँ पर जो है रिमांड के लिए बात कही थी। इसी तरीके से तेलीबांधा पुलिस भी तैयार है। तमाम वहां पर थानों के जो अलग अलग 4 से अधिक थानों के जो है TI मौजूद हैं अपने अपने प्रकरणों को लेकर, और विस्तार न्यूज भी डटा हुआ। मेरे सहयोगी अनमोल भी लगातार वहां से तस्वीरें दिखा रहे हैं। कोर्ट के बाहर गहमा गहमी है, सन्नाटा है, हल्के स्वर में जो है सभी लोग बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कितने दिन की रिमांड दी जाएगी, क्या कुछ आगे होगा, क्योंकि पांच बार जो है समन तब्दील किया गया था, प्रोडक्शन वारंट आखिरकार अब मिला है। और अमन साहू पर रायपुर पुलिस ने शिकंजा कसा है और इस तरीके से जो है कोर्ट परिसर में गहमा गहमी चालू है। मैं इस वक्त जो है कोर्ट परिसर में ही हूँ और यहाँ पर जो है इसी चौकी से पुलिस सहायता केंद्र, जो आप ये लिखा हुआ देख रही होंगी, यहीं से उसको इसी रास्ते से ले जाया जाएगा। और विस्तार न्यूज हर जगह चप्पे पर तैनात है हर तस्वीर को दिखाने के लिए। ये आप कोर्ट परिसर का माहौल देख लीजिए, आज हर कोई, हर वकील, हर जगह पर एक ही शब्द चल रहा है, अमन साहू रायपुर पुलिस, अमन साहू रायपुर पुलिस, रायपुर पुलिस, रायपुर पुलिस, अमन साहू, यही सब कुछ चल रहा है। और विस्तार न्यूज भी तैयार है। मैं परिसर का मैंने आपको तस्वीर दिखाई थी कि किस तरीके से ऊपर गहमा गहमी है, और इस तरीके से जो है कुछ ही देर बाद जो है फैसला आने की उम्मीद है, डिसीजन आने की उम्मीद है कि आखिर कितने दिनों की रिमांड जो है स्वीकृत की जाती है, पुलिस रिमांड स्वीकृत की जाती है, फिर उसके बाद जो है जेल की तरफ उसे भेज दिया जाएगा, रायपुर पुलिस की सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा, शांति के टापू को अशांत करने के जुर्म पर उसे जो है जेल भेजा जाएगा और उससे कड़ी पूछताछ की जाएगी। राधा, यही सब कुछ परिसर में चल रहा है। और जो तस्वीर एक बार परिसर की ऊपर की दिखा दीजिए, यहां सब कुछ पूरा घटनाक्रम होता हुआ दिखाई दे रहा है राधा। चप्पे चप्पे पर विस्तार न्यूज तैयार है अपने दर्शकों के प्रति कृतज्ञ होते हुए उनको हर तस्वीर दिखाने के लिए रहता। बिल्कुल नितेश, तो कोर्ट से तो मामले जो है निकलकर सामने आएंगे, डिटेल सामने आएगी कि कोर्ट में फिलहाल क्या कुछ चल रहा है। लेकिन चूंकि अमन साहू जो है लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य है और हाल ही में बाबा सिद्दीकी की मौत हुई है, तो क्या नितेश इसको उससे भी जोड़ के देखा जाए कि बाबा सिद्दीकी की मौत हुई और रातों रात एक बार अमन साहू को रायपुर ले आया गया, कोर्ट में पेशी की गई है, इसको पूरे इस मामले को कैसे जोड़कर देखा जाए और इसको कैसे समझा जाए नितेश? बेशक जोड़िए राधा, बेशक जोड़िए, क्योंकि हमारी जो जानकारी है विस्तार न्यूज की जानकारी है, SSP संतोष सिंह, IG अमरेश मिश्रा खुद इसकी डायरेक्ट मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हो सकता है कि क्वेश्चनरीज बनाई जा रही हैं, लंबा चौड़ा इसका जो चिट्ठा है वो बनाया जा रहा है, उसमें कई क्वेश्चंस जो हैं इसके रिलेटेड भी हैं। आप अगले तस्वीर दिखाते रहिए, मैं राधा के प्रश्न का जवाब दे रहा हूं। इसमें जो है राधा
30 से अधिक क्वेश्चन जो है शामिल किए गए हैं इसमें। बाबा सिद्दीकी से क्या इन लोगों का कोई ऐसा प्लान था, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का भी, जो क्योंकि लगातार जो है यहाँ भी देखा गया है लॉरेंस बिश्नोई गैंग के माध्यम से जो इसके गुर्गे थाईलैंड में बैठे हैं, मलेशिया में बैठे हैं, वो धमका चमका रहे हैं, तो क्या वो धमकी दे रहे हैं, क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग इधर सक्रियता बढ़ा रहा है, हाथ पैर पसारने की कोशिश कर रहा है, या इन लोगों का किस तरीके से लेन देन है, पैसे का लेन देन, हथियारों का लेन देन, इनके गुर्गों का साझा जो है, जो आदान प्रदान है, क्या कुछ हो रहा है। तो बेशक राधा आपका बहुत ही जेन्युइन सवाल था और ये जो सवाल है ये बिल्कुल सवाल उठने वाला है और इसका जो है जवाब अमन साहू से पूछा जाएगा, उससे मांगा जाएगा राधा। और जो अगर सिद्दीकी हत्याकांड की बात की जाए तो सिद्दीकी से भी संबंधित, क्या इनके गुर्गे तो नहीं शामिल थे, वहां की पुलिस अलग पूछताछ कर रही है, या इन लोगों की तरफ किसी, इन लोगों की तरफ से किसी तरीके का पैसे का सपोर्ट या किसी अन्य चीजों का सपोर्ट, या आगे, क्योंकि ये अमन साहू जो है अपने आप को बहुत करीबी बता रहा है और रिप्रेजेंट कर रहा है लॉरेंस बिश्नोई की तरह, अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, उनका भाई बताता है, तो बेशक इस तरह के सवाल जवाब होना लाजमी है राधा। और जो एसएसपी आईजी की पूछताछ की बात थी वो भी मैंने बता दी, सुपर एक्सक्लूसिव जानकारी।